हेलो फ्रेंड्स, भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ई टेंडरिंग के रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेरीज है, हम यहाँ पे सभी चीज़ों का यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। टेंडर्स के रिगार्डिंग आज हमारा एक नया वीडियो है, जैसे कि जीएसटी। जीएसटी बेसिकली कैसा होता है, आप जीएसटी निकालते हैं और हर मंथ में आपको जीएसटी का रिटर्न भरना पड़ता है, भले वो जीरो क्यों ना हो। तो हर महीने आपको सीए को 700-750 से लेके 1000 कहीं 500 रुपीस आपको हर महीने आपको एक्सपेंसेस से सिर्फ जीएसटी जीरो रिटर्न, क्योंकि जीएसटी जीरो रिटर्न भरने में सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगता है, जो वो आप खुद कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आज दोनों दो चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, एक तो जीएसटी जीरो रिटर्न कैसे भरते हैं और दूसरा जीएसटी जीरो रिटर्न आपका यदि आप पिछले महीने में भूल गए थे तो आपको फाइन होगा, तो वो फाइन के साथ जीएसटी जीरो रिटर्न कैसे भरते हैं। तो चलिए आज का मैं वीडियो चालू करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना लॉगिन करके रखा है, मेरे लॉगिन से तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखेगा, हमको यहाँ पे डैशबोर्ड्स पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड्स के क्लिक करने के बाद फाइल रिटर्न, फाइल रिटर्न में फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद रिटर्न फाइल का हम मंथ चूज करेंगे और सर्च करेंगे। यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन जीएसटी 3B हम भर रहे हैं, यदि हमको जीरो रिटर्न करना है तो मुझे जीएसटी 3B भरना पड़ता है। जीएसटी 3B आ गया, उसका नोटिफिकेशन आया, इसको ओके कर दीजिए। अब मुझे वो ऑलरेडी बता रहा है कि आपका लेट फी है, यदि लेट फी नहीं होता तो हम वहाँ पे डायरेक्ट यस करते और सभी ऑप्शंस एनेबल होता। तो देखिए पेमेंट का मेरे पास पूरा टेबल आ गया, वहाँ पे मुझे मेक पेमेंट एंड पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, जो मेरा पेमेंट करेंगे वो लेजर में मेरे लेजर में चला जाएगा, वो ऐसा मुझे बता रहा है। तो मैं अपना पेमेंट खोलता हूँ, यहाँ से मैं क्रिएट चालान जनरेट कर रहा हूँ। ये चालान मुझे अलग अलग पेमेंट तरीके से कर सकता हूँ, तो मैं ई पेमेंट कर रहा हूँ, जहाँ से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह से कर सकता हूँ, RTGS भी कर सकता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे मेरा बैंक चूज कर लिया, टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट किया और मेक पेमेंट, पेमेंट का आ रहा है। आपका बिजनेस कैसा है, बैंक रिटेल या कॉर्पोरेट में आपका अकाउंट है, मेरा रिटेल में, इसलिए मैं रिटेल चूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं यूजर आईडी डालूंगा और पासवर्ड डाल के कंटिन्यू।